फ्रेंड्स, स्वागत है क्रिएटिविटी विद निव्या नव्या चैनल में। देखिए, आपके लिए एक लेटेस्ट डिजाइन लेकर आए हैं। देखिए, इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट भी। जो इस डिजाइन का मैंने थोड़ा सा बुन के रखा है, इसका पैटर्न है 6 फंदे का, लेकिन जब आप शुरू करेंगे तो 3 फंदे सीधे, 6 फंदे में डिजाइन पड़ेगी, 6 फंदे उल्टे बनेंगे, फिर 6 फंदे में डिजाइन पड़ेगी, उसके बाद फिर 6 फंदे सीधे बनेंगे। मतलब अल्टरनेट है, पहले सीधे, फिर उल्टे, फिर सीधे, फिर उल्टे, और बीच बीच में 6 फंदे में ये बूटी पड़ेगी। तो ये मैं आपको क्लियर समझा। देखिए, आपको स्टार्ट उसी प्रकार करना, मैंने बुन के रखा है। अगर कम ज़्यादा फंदे हैं तो उसको इग्नोर कीजिएगा। देखिए कैसे बनाएंगे ये मैंने, अब देखिए मैंने सीधा बनाया था ये डिजाइन, अब मैं उल्टे पर आ गई हूँ। तो मैं सबसे पहले उल्टे फंदे बना रही हूँ, जितने कट वर्क में बचे हैं उतने फंदों को बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, अब देखिए 4 है, ये 2 फंदे से हमें डिजाइन लेनी है। तो हम इसके बीच से धागा पीछे करेंगे, बहुत ही सिंपल और इजी। आप लोग चुपके से बना लीजिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, बीच से धागा डाला और फंदा निकाल लिया, उसके बाद 2 फंदे आप सीधे बुन लीजिए। देखिए, सीधे बुन लिया हमने, उसके बाद फिर हमने धागा मेरा पीछे ही रहेगा, उसके बाद ये धागा निकाला और 2 फंदे से 3 फंदे बन गए। देखिए, 1 और जो 2 फंदे है उसको हमें सादा ही बनना है, एक धागा में एक्स्ट्रा निकालना है, बस इतना ही याद रखना है। धागा पीछे ही है, 20 फंदे से हम फिर हम एक्स्ट्रा निकालेंगे और देखिए 2 फंदे हमारे सीधे बुन लेंगे। बस यही आपकी बहुत इजी डिजाइन है, जिन बहनों के हमारे बुनना भी नहीं आता वो भी बना लेंगे। अब देखिए, 3, 6, 9, हमारे ये 6 फंदों से 9 फंदे हो गए, मतलब एक एक फंदा हर बढ़ा है। अब ये यहाँ पर देखिए कट वर्क आएगा, इसीलिए हम इन फंदों को हम सीधा ही बना लेंगे। 6 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 4। अब देखिए, फिर हमारा फिर वही, फिर इधर तिरछा बनेगा तो बीच में डालेंगे। फिर देखिए, एक एक्स्ट्रा निकाला और 2 फंदे बुन लिए। फिर मैंने देखिए धागा पीछे ही रहेगा बैक, और मैंने ये निकाला और ये बुन लिए। इस तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट करके आपको बताते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड बस ये 2 ही सिलाइयों की डिजाइन है, तीसरी सिलाई की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, ये जो किनारे साइड में फंदे हैं वो हम उल्टे ही बुनेंगे। अब देखिए, हम हमारी जो डिजाइन वाले फंदे हैं वो आ गए, 1, 2, 3। तो जो पहला फंदा है उसको हम उल्टा बुनेंगे और दूसरे फंदे में 2 का 1 कर देंगे। बस यही आपको ध्यान रखना है। देखिए, पहले फंदे को सिंगल बुनेंगे, उसके बाद ये 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए, कुछ झंझट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको डिजाइन आ जाएगी। अगर नहीं भी समझ में आती तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, उसको मैं सॉल्व, प्रॉब्लम जो भी है वो मैं सॉल्व कर दूंगी। देखिए, कुछ नहीं, इसी तरह बुनते जाएंगे। देखिए, जो सिंगल फंदा है उसको मैंने देखिए बुन लिया है और 2 का 1 कर दिया है। ये बुन लिया आगे वाला फर्स्ट फंदा, और इसको कोई झंझट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अगर आपको कट वर्क में नहीं समझ में आ रही तो आप ऑल ओवर पूरे फुल स्वेटर में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पीछे कोई फंसने का झंझट नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। और देखिए, मेरी आगे फ्रंट पे देखिए कितनी प्यारी सी डिजाइन बन के तैयार हुई है। देखिए, बैक साइड भी कुछ नहीं है झंझट, फंसने वाला भी रहता है डिजाइन, वो चीज़ नहीं है।